हमने बोथ सेट के दरमियान रिलेशन बताना है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। ए हमारे पास इनफाइनाइट सेट है और बी हमारे पास फिनाइट सेट है जो कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स में मुश्तमिल है 1, 2, 3 एंड 4। और बी हमारे पास एक कंटिन्यू सेट है जो नंबर्स ऑफ सीरीज कंटिन्यू है, सो बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये जो साइन है इस सबसेट को कहलाता है। ए इज इक्वल टू ए ई यू, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिंग। अब क्या होगा, ए सबसेट होगा बी का। ए इज इक्वल टू पी ए आर, बी इज इक्वल टू आर पी ए। बोथ सेट्स में एलिमेंट सेम है तादाद में भी और देखने में भी, ठीक है, काउंटिंग में भी और रियल देखने में भी। सो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स होंगे। राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट्स, मेक एन इक्वल, मेक दैम इक्वल। एक सेट में एस ओ एफ टी है जबकि दूसरे सेट में आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है, जो एलिमेंट मिस है उसको राइट डाउन करना है। टी हमारे पास है, एफ बी है, एस बी है, मिसिंग एलिमेंट क्या था, ओ था, आप ओ लिख दें। 1, 2, 3, 1, 3, 2 मिसिंग है, 2 लिख दें। ई ए टी, टी और ए है, क्या मिसिंग है, ई मिसिंग है, ई लिख दें। पी ओ टी, टी भी है, पी भी है, ओ मिसिंग है, ओ लिख दें। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मिसिंग एलिमेंट्स टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्वलेंट। अब सेट को इक्वलेंट बनाना है, लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे 1, 2, 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिखें, सिर्फ सेट को इक्वल बनाना है। 1, 2, 3 यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, ए ई कुछ भी लिख दें, यहाँ पे डी लिख दें, ई लिख दें, एफ लिख दें, जी लिख दें, आपने सिर्फ सेट्स को इक्वल बनाना है। एक सेट में है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, और दूसरे सेट में क्या है, ए बी। अब 2 हमारे पास एलिमेंट्स मिसिंग हैं, कुछ भी लिख दें, सी डी मैंने लिखा, जैसा कि आप डी एफ भी लिख सकते हैं। सेट ए में है लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल। सेकंड में आपके पास है कसूर, पिशावर, आप लाहौर लिख दें, किसी भी सिटी का नाम लिख दें। 1, 3, 5 यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, थर्ड वन आप खुद फिल कर दें। जैसे हमारे पास इवन नंबर्स की सीरीज चल रही है तो 2, 4 था और मैंने नेक्स्ट इवन नंबर 6 लिख दिया। आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 टेक्स्ट बुक के ऊपर करना है, नोटबुक पे नहीं करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है। सो आप इसे अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।